गाइस, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और एंड्रॉयड मोबाइल में अगर आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं मोस्ट प्रॉबली हर दिन के लिए, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल होने वाला है। बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपको व्हाट्सअप के ऐसे कुछ सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में और कुछ सीक्रेट टिक्स के बारे में, एक खुफिया सेटिंग्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसके बारे में आप कम्प्लीटली अननोन हैं। और आपको अगर पता भी होगा तो भी शायद आप एकदम क्लियरली बेसिस पे उसको जानते नहीं होंगे। बिकॉज अगर आप एक कपल्स है, अगर आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका कोई आपका मोबाइल कोई हैक कर रहा है, या तो कोई हमारे फ्रेंड अगर ऑनलाइन है लेकिन फिर भी हमें रिप्लाई नहीं कर रहा है, ऐसे सारे प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप आज का वीडियो आप कंटिन्यू देख सकते हैं। बिकॉज ये मोस्ट प्रॉब्लली अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अगर आप हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल है। अगर आप बॉयफ्रेंड है और आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर आप गर्लफ्रेंड है अगर आपकी बॉयफ्रेंड है, तो यार आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एक दूसरे से ट्रैक करके इस व्हाट्सअप के फीचर को यूज़ करने के बाद आप एक दूसरे को इजीली हर बेसिस पे ट्रैक कर सकते हैं। यस, बिकॉज आज का वीडियो एक खुफिया सेटिंग है के बारे में आपको बताऊंगा, कुछ खुफिया फीचर्स के बारे में जो आपको 2020 एंड 2021 में बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको सबसे पहले बात करते हैं पहले खुफिया फीचर के बारे में, जो कि व्हाट्सअप है। यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी हमें हमारा फ्रेंड और आने की जैसे कि आप और आपका फ्रेंड यहाँ पे ऑनलाइन होता है, लेकिन आप सामने से यहाँ पर व्हाट्सअप पर कुछ मैसेज करते हैं और इसके बाद वो आपका फ्रेंड यहाँ पे ऑनलाइन रहता है लेकिन फिर भी आपको मैसेज नहीं करता, और आपको यहाँ पर पता नहीं चलता है कि उसने आपके मैसेज को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। बिकॉज यहाँ पर आपको कोई ब्लू टिक नहीं देखने मिलता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में आपका जो मैसेज है वो सामने वाले बंदे के पास जा रहा है, लेकिन आपके मोबाइल में आपको यहाँ पे ब्लू टिक नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि आपको पता नहीं चल रहा है कि सामने वाला बंदा आपके मोबाइल के मैसेज को पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। वो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपका जो फ्रेंड है थोड़ा चालाक दिमाग का है, उस वो अपने मोबाइल में कुछ सीक्रेट सेटिंग है जिसको अप्लाई करता है, जिसकी वजह से आपको नहीं पता चलता है कि वो आपका मैसेज वो पढ़ रहा है कि नहीं। वो क्या करता है, यहाँ पे सेटिंग में जाता है, सेटिंग में जाने के बाद वो एक मोबाइल के व्हाट्सएप पे कुछ सीक्रेट्स है उसको वो अप्लाई करता है। जैसे कि यहाँ पे आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे सेटिंग अकाउंट में प्राइवेसी में जाने के बाद वो आपके रेट ये जो ऑप्शन है रेट रिसिप्ट वाला, इसको वो यहाँ पे ऑफ रखता है, जिससे क्या होता है कि अगर उससे कोई मैसेज सेंड करते हैं तो भी आपका मैसेज वहाँ पे जाता है लेकिन आपके मोबाइल में ब्लू टिक का ऑप्शन नहीं दिखता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि आपका जो मैसेज वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो आप क्या करिएगा ऐसे टाइम पे, ऐसा कभी कुछ भी सीन हो तो जो यहाँ पे आपको नीचे के साइड में एक रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा आपके मोबाइल में, राइट, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस वो जो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन आपको नीचे के साइड में मोबाइल में दिख रहा है उसको बस आपको टैप करना है। यानी कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि जो मोबाइल एकदम लाइट टू लाइट मैसेज जा रहा है। तो कभी ऐसा सीन हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जो यहाँ पे नीचे के साइड में एक रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पे होल्ड करना है 2 सेकंड के लिए। जैसे अभी होल्ड करेंगे तो ये जो रिकॉर्डिंग वाला मैसेज है आपके फ्रेंड के पास इंस्टेंटली चला जाएगा। अब वो जैसे ये रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन को प्ले करेगा देन आप बम यहाँ पे एक बड़ा सा मैजिक होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लू टिक का ऑप्शन है मेरे मोबाइल में आ चुका है। यहाँ पे जैसे उसने रीड किया नीचे ब्लू के टिक के ऑप्शन से आ सकता है, तो आप उसको सिंपली बोल सकते हैं कि आप जब तो ऑनलाइन है तो मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, तो ये सब बोल के आप उसके पोल को खोल सकते हैं। तो ये काफ़ी अमेजिंग फीचर है गाइस, इसको अप्लाई करिए बिकॉज इट्स वेरी वेरी यूजफुल। सो लेट्स कम विद द सेकेंड फीचर ऑफ व्हाट्सअप, द सेकेंड खुफिया फीचर के बारे में बात करते हैं व्हाट्सअप के, जो आपको 2020 में बहुत यूज़फुल होने वाला है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए जब भी हम अगर अपने व्हाट्सअप के प्रोफाइल पिक में जाते हैं तो हम अपने व्हाट्सअप के प्रोफाइल पिक में फुल स्क्रीन वाले वॉलपेपर को यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का आधा पार्ट यहाँ पर कटा हुआ रहता है, कोई तो आधा पार्ट यहाँ पर आता ही नहीं। तो आप अपने WhatsApp के प्रोफाइल में एक फुल पिक वाला फोटो कैसे आप सेट कर सकते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा अपने प्ले स्टोर पर, और यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन है जिसको इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है WhatsApp क्रॉप। ये एप्लीकेशन को
आपको अपने मोबाइल में कर लेना है इंस्टॉल्ड। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो आपको मोबाइल में अंदर का लुक है इसी तरीके से दिखेगा। यहाँ से आप मैन्युअली फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी फ़ोटो को आप व्हाट्सअप का एक प्रोफाइल पिक रखना चाहते हैं फुल स्क्रीन पर। देन उसके बाद इसको आप मैन्युअली एडजस्ट कर लीजिए। नीचे के साइड में आपको एक सेव का ऑप्शन दिखेगा, बस आप इसको यहाँ पर टैप कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पर टैप करेंगे देन ये जो प्रोफाइल है एक पूरा का पूरा बड़ा प्रोफाइल हमारे व्हाट्सअप पे एक का जो प्रोफाइल है वहाँ पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए मेरा जो व्हाट्सअप का प्रोफाइल है ये पूरी तरीके से यहाँ पे सेव्ड हो चुका है। तो इसी तरीके से आप अपने व्हाट्सअप के प्रोफाइल को बिना क्रॉप किए आप यहाँ पे एक फुल स्क्रीन वाला, एक फुल बॉडी पार्ट वाला एक व्हाट्सअप का प्रोफाइल यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। ये था सेकंड व्हाट्सअप का एक खुफिया सेटिंग यानी कि सेकंड फीचर जिसके बारे में आप कम्प्लीटली अननोन थे। अब बात करते हैं हमारे व्हाट्सअप के थर्ड फीचर के बारे में, थर्ड खुफिया सेटिंग के बारे में, जो आपको 2020 एंड 2021 में बहुत बहुत यानी बहुत यूज़फुल होने वाला है। व्हाट्सएप का जो तीसरा खुफिया फीचर है वो काफ़ी आप लोगों के लिए यूज़फुल होने वाला है। बिकॉज देखिए क्या होता है कि आज के टाइम में हमारा जो मोबाइल नंबर है वो कई लोगों के पास चला जाता है, जिसकी वजह से कोई भी बंदा हमें एक व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट करता है, उसमें ऐड कर देता है बिना हमारे परमिशन के। तो यहाँ पर आप मैन्युअली सेट भी कर सकते हैं कि कौन आपको आपका जो नंबर है ग्रुप में ऐड कर सकता है, कौन आपके नंबर को ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते, कि आप किसको भी यहाँ पर मैन्युअली एक परमिशन दे सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, उसके बाद प्राइवेसी वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे नीचे के साइड में ग्रुप वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप अगर आप एवरीवन पे सेट करते हैं तो उसके बाद कोई भी आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकता है, ग्रुप क्रिएट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे नीचे के साइड में एक ऑप्शन दिया है सेकेंड नंबर पर माई कॉन्टैक्ट का। अगर आप माई कॉन्टैक्ट पर एक ऑप्शन को सिलेक्ट रखते हैं नीचे के साइड में, देन उसके बाद वहाँ पर आपको ग्रुप में वही बंदा ऐड कर सकता है जिसका मोबाइल नंबर आपके कॉन्टैक्ट में यहाँ पे सेव्ड है। यानी कि आपके मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट नंबर सेव्ड है वही बंदा के पास अगर आपका मोबाइल नंबर है तो वही बंदा आपको ग्रुप में ऐड कर सकता है। उसके बाद नीचे आपको एक और ऑप्शन दिया है माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, तो यहाँ पे आप कुछ सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि कौन से बंदा को आप परमिशन देना चाहते हैं अपने आपको ग्रुप में ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर आप मैनुअली कोई भी किस पर भी राइट टिक करके कर दोगे, यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट एक कुछ लिमिटेड कॉन्टैक्ट को आप सिलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद वही बंदा आपको किसी ग्रुप में ऐड कर सकता है। तो ये जो व्हाट्सएप का थर्ड फीचर है आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, बिकॉज इसकी हेल्प से कोई भी ज़्यादा आपका जो मोबाइल है कहीं ना कहीं शेयर नहीं होगा, कोई लिमिटेड लोग ही आपको ग्रुप में ऐड कर पाएंगे। तो लेट्स कम विद द व्हाट्सएप फोर्थ खुफिया सेटिंग दैट इज़ अ वेरी यूज़फुल फॉर यू, जो आपको 2020 में बहुत यूज़फुल होने वाला है। व्हाट्सएप का जो फोर्थ खुफिया सेटिंग है वो जो आपको 2020 में ज़्यादा यूज़ होगा वो है ये, यानी कि आप कभी भी देखते होंगे कि आपका फ्रेंड आपको कभी कभी कुछ ऐसे इमेजेस आपको सेंड करता है, राइट? तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि जो इमेजेस आपके फ्रेंड ने आपको शेयर किया है वो और कितने लोगों के साथ शेयर हुआ है। यानी कि अगर आप कपल्स है, अगर गर्लफ्रेंड है या तो बॉयफ्रेंड, अगर आप गर्लफ्रेंड है और आपका बॉयफ्रेंड आपको कोई पिक भेजता है तो यहाँ पे आप सेंड चेक भी कर सकते हैं कि वो पिक आपको भेजने से पहले और कौन कौन लोगों ने उस पिक को वहाँ पे शेयर किया है। तो आप इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, बस इमेज पे टैप करना है, यहाँ पे इन्फो में जाना है। जैसे आप इन्फो में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि जो इमेज आपके पास आया है, जो फ़ोटो आपके पास आया है, वो आपके पास आने से पहले और कौन कौन लोगों के पास वो फ़ोटो गया है। या इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं कि यार क्या है यार, कितना इमेज इतने सेंड किया, तो ऑलरेडी बहुत लोग ने इसको सेंड किया। यानी कि आप जान सकते हैं कि उसने खुद का अपना कोई बनाया हुआ इमेज आपको शेयर किया है तो किसी और के हेल्प से उसके पास आया, देन उसके बाद उसने आपको सेंड किया। तो इसी तरीके से आप अपने गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के पोल को आप खोल सकते हैं। ये फीचर भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है अगर आप कपल्स हैं तो। अब बात करते हैं व्हाट्सएप के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड वेरी सिक्योरिटी फीचर के बारे में, जो खुफिया फीचर है जो आपको 2020 और जब तक बहुत काम आएगा तब तक आप अपने व्हाट्सएप चलाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी हमारा व्हाट्सएप कोई हैक भी कर लेता है और हमें नहीं पता कि कौन हमारे मैसेज को रीड कर रहा है। तो राइट, ऐसा कभी आपके साथ और आपको लगे कि कोई आपका व्हाट्सएप हैक करे, कोई आपके मैसेज को पढ़ रहा है, तो आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको सबसे पहले व्हाट्सअप वेब में आना है। सेटिंग में जाने के बाद नीचे आपको ओके गॉट इट पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे आपका व्हाट्सअप कुछ स्कैन कर रहा है तो इसका मतलब ये समझना कि आपका व्हाट्सअप किसी ने हैक नहीं किया है। अगर यहाँ पे आपका व्हाट्सअप किसी कोई हैक कर लेता है तो यहाँ पे आपको स्कैन का ऑप्शन नहीं आएगा, नीचे आपको एक ऑप्शन आएगा वन कॉन्टैक्ट हैड सिलेक्टेड यू। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा कुछ ऑप्शन दिखा तो इसका मतलब ये समझना कि किसी ने आपका व्हाट्सअप को हैक किया है, कोई तो आपके व्हाट्सअप के मैसेजेस को रीड कर रहा है। तो अगर लेकिन जब भी आपको यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन दिखे तो मतलब समझ लेना कि आपका व्हाट्सअप यहाँ पे हैक नहीं है। तो वैसे जो मैंने आपको पांचों खुफिया सेट फीचर बताए हैं व्हाट्सअप के, ये आपको 2020 और 2021 में बहुत यूज़फुल होने वाला है। अगर आप एक व्हाट्सअप चलाते हैं तो ये पाँचों सेटिंग फीचर्स को अगर आपने जान लिया तो आपको कोई भी पागल नहीं बना सकता है। याद, अगर आप गर्लफ्रेंड है तो आपका बॉयफ्रेंड आपको पागल नहीं बना सकता, अगर आप बॉयफ्रेंड है तो आपकी गर्लफ्रेंड आपको पागल नहीं बना सकती है। बिकॉज क्या होता है, मोस्टली कपल्स जो है वही ऐसी छुपी छुपी हरकतें करते हैं।